आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा रेलवे स्टेशन से इंदौर जाने वाली ट्रेन में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब ट्रेन में यात्रा कर रहे अज्ञात व्यक्ति की एसी कोच में अचानक हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। हालांकि इस दौरान पूर्व पार्षद ने मानवता का परिचय देते हुए मृतक को बचाने का भरपूर प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद महिला चिकित्सक ने भी अपने तरीके से प्रयास किए लेकिन सभी असफल रहे। घटना के संबंध में पूर्व पार्षद मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने पुत्र को इंदौर जाने के लिए रीवा इंदौर ट्रेन में बैठाने रात्रि लगभग 11 बजे रेलवे स्टेशन गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे को जब एसी कोच में बैठाया तो वहां एक व्यक्ति लेटा हुआ था जिसे उन्होंने हिलाया तो उसने कुछ भी नहीं बोला। मनीष त्रिपाठी को इस दौरान किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा हुआ जिसके बाद उन्होंने अज्ञात व्यक्ति को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए। वहीं एसी बोगी में मौजूद महिला चिकित्सक द्वारा भी अपने तरीके से प्रयास किए गए। फिलहाल मृतक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है कि वह कौन थे, कहां के थे और कहां के लिए यात्रा कर रहे थे। इस संबंध में भी जानकारी नहीं मिली है। इस हादसे की वजह से रीवा इंदौर ट्रेन आधे घंटे देरी से रीवा रेलवे स्टेशन से इंदौर के लिए रवाना हुई। रेलवे के एसी बोगी में हुई मृत्यु के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। 108 पे बुला लो, 108 का नंबर बुला रहा हूँ। रुको, हम वहाँ पे देखते हैं। 108 पे बुला लो, आप 108 बुला लो। नहीं रहे हैं, आप 108 पे बोल रहे हैं। सांस क्या रही? अरे 139, 182। सांस हल्की हल्की आ रही है। गाँव 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 स्टेशन मास्टर को बोलने का हल्की हल्की आ रही है। बोल के आ रहा है।